ये रही अपनी बाइक, वो रहा एक्सपीडिशन ट्रेल कैरियर, तो वो इंस्टॉल करेंगे अपने बाइक पे फट फट, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। और हमें ये इसका एडिटिंग करके निकलना अभी, कल सुबह हमने नए राइड पे निकल रहे हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो बिना किसी देरी के चले चलते इंस्टॉलेशन की तरफ। तो ये रहा अपना ट्रेल कैरियर, तो इसको अभी तक हमने अनबॉक्स नहीं किया है, तो अभी ही अनबॉक्स करेंगे, थोड़ा इंस्टॉल भी करेंगे। तो चलिए कैसा है, नट से कोई दूसरा ऐसा फेंक दे सर है ना, जिसको मालूम है वो फेंक देगा नजदीक ले। तो इसमें कुछ नहीं है बस। तो ये रहा अपना एक्सपेडिशन ट्रेल कैरियर, आया तो सही सलामत है, ना कोई डैमेज कुछ नहीं, थोड़ा सा माइनर पेंटिंग का गड़बड़ है लेकिन चलेगा, उतना होता ही है ऐसे पार्ट्स में, तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी रफ़ यूज़ होने वाला है, तो वो कलर एक्सेट्रा निकलने ही वाला है, और अगर कुछ ज़्यादा होगा तो हम वापस रीपेंट कर लेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो अभी फ़िलहाल तो हमने इसे इंस्टॉल नहीं किया है, बस होल मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक कर रहे थे। यहाँ का स्क्रू होल मैच नहीं हो रहा है, वो हम उसको थोड़ा सा हैमर से मार के थोड़ा इन पोजीशन में लेके आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा हैमर मार के उसको सीधा करना पड़ेगा, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस उसको थोड़ा सा हमने हाथ से थोड़ा सा पुश कर दिया तो होल्स उसके मैच हो रहे हैं। तो मैच करने के बाद क्विकली हम उसे नट बोल्ट लगा देंगे और वो वैसे फिक्स रह जाएगा, तो हमें हैमर मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो चलिए क्विकली मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए कैसे इंस्टॉल हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमने इंस्टॉल किया है हमारा एक्सपेडिशन ट्रेल कैरियर। तो हमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना नहीं पड़ा, कुछ होल वोल एक्सट्रैक्ट करने नहीं पड़े, डायरेक्टली फिटिंग का MT-15 के लिए बनाया गया है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई, सब होल्स मैच हो रहे थे, थोड़ा आगे पीछे था लेकिन वो सिर्फ बेंड करके थोड़ा सा हमने बेंड किया तो प्रॉपरली लग गया वो, तो इतना कुछ इशू नहीं आया उससे लगने में। तो एक बार आप इसका स्लो मोशन देख लीजिए कैसा लग रहा है। और मैंने ये इसीलिए भी लगाया है क्योंकि मैं जब राइड पर जाता हूँ तो मेरी सीट पर बैग होती है, तो ब्रेक मारने पर बैग पूरी आगे आ जाती है, जिससे मुझे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और अब जब हम एयर सीट लगा के घूम रहे हैं तो एयर सीट में भी वो बैग आगे आ जाने पर हमें उस पर पूरी तरह अच्छी तरह बैठने नहीं मिलता है। तो ये लगाने के बाद हम बैग को थोड़ा पीछे पुश कर सकते हैं। तो जब मैं टूर पे जाता हूँ तो बैग मेरे कुछ यहाँ तक आ जाती है, फ़िलहाल जब मैं जाता था तो एयर सीट लगने के बाद एयर सीट का भी इतना पोर्शन वो खा जाता था बैग है, तो मुझे कंफर्टेबली बैठने नहीं मिलता था उतना। तो अभी ट्रेल कैरियर लगाने के बाद हम बैग को यहाँ तक ले सकते हैं,
लगभग यहाँ तक, और हमें इतनी पूरी स्पेस मिल जाएगी सीट की बैठने के लिए, एयर सीट भी पूरी यहाँ तक आ जाती है, तो हम कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बैग यहाँ तक आ जाएगी, पूरा कैरियर भी नहीं लेगा, इतना हाफ कैरियर ले लेगा। तो हमें नेक्स्ट टाइम अगर कोई लॉन्ग राइड पर जाना हो तो हम बैग और यहाँ पर भी कुछ और रख सकते हैं। तो दैट्स इट, हम सैडल स्टे नहीं लगा रहे क्योंकि हम सैडल बैग्स कैरी नहीं करते, हमें सैडल बैग्स कैरी करना अच्छा नहीं लगता, हम टेल बैग लगाते हैं, इसलिए हम मैंने ट्रेल पैक लगाया और ट्रेल कैरियर लगाया है, सो दैट बैग हम यहाँ तक फिट कर सकते हैं और बैग कुछ यहाँ तक आ जाएगी और हमें सीट का पूरा एरिया जो है मिल जाएगा बैठने के लिए, हम कंफर्टेबली जा पाएंगे। तो यही वजह थी जिसके वजह से मैंने एक्सपेडिशन ट्रेल कैरियर मंगाया था, और कोई वजह नहीं थी, हमें बस कंफर्टेबली बैठने के लिए और जगह मिल जाएगी टेल बैग लगाने के बाद, क्योंकि वो बैग थोड़ी मोटी हो जाती है सामान भरने के बाद, और जैसे आपको पता है MT-15 की सीट थोड़ी छोटी है पीछे से, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है बीच बीच में, यानी जब आप ब्रेक लगाते हो तो बैग थोड़ी सी आगे आ जाती है तो आपको वापस अनकम्फर्टेबल हो जाता है, आपको पीछे पुश करना पड़ता है बैग को। तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बैग थोड़ी पीछे चली जाएगी और हमें बैठने के लिए भी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो दिस वॉज द इंस्टॉलेशन ऑफ अ ट्रेल कैरियर। एक बार आप इसका स्लो मोशन देख लीजिए या लगाने के बाद बाइक कैसे दिख रही है वो देख लीजिए, और कुछ आपके कमेंट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। हमारा चैनल अच्छे खासे तेज़ी से ग्रो होता जा रहा है, वी आर 5000 प्लस फैमिली नाउ, तो प्लीज़ हमें और बढ़ने के लिए मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास MT-15 हो या जिन्हें ट्रैवल ब्लॉग्स का शौक हो, आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियोज़। हमारे कन्याकुमारी के ब्लॉग्स भी जल्दी आ जाएंगे, इस राइड के बाद आने के बाद ही मैं डाल पाऊंगा वो, क्योंकि वो मैंने अभी एडिट नहीं किया है, मैं कुछ दिन पहले ही वो राइड से आया था और अभी तुरंत दूसरे राइड पे निकल रहा हूँ तो एडिटिंग का समय नहीं मिला। 2-3 ब्लॉग्स मैंने अभी बीच में शेड्यूल करके रखे हैं लेकिन वो सर्विस एक्सेक्टा ये वही है, तो ट्रैवल वीडियोज़ आ जाएंगे 2-3 दिन बाद, सॉरी नेक्स्ट वीक में, और अभी जो मैं जा रहा हूँ सिंधुदुर्ग रत्नागिरी एक्सेट्रा वो ब्लॉग्स में भी 1-2 वीक्स के बाद ही आएंगे, लेकिन आते रहेंगे ब्लॉग्स, चैनल ठंडा नहीं पड़ेगा, ब्लॉग्स आते रहेंगे, आप इन्जॉय करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।